हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय द बस। सो मैं इस वीडियो में पार्ट टू लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हेरिडिटी को कंप्लीट किया था, नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता क्या है? ऐसा प्रोसेस जो ग्रेजुअली डेवलप होता है, मतलब बहुत मिलियन सालों से ऑर्गेनिज्म है वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है इनहेरिट हो रही है, मतलब एक कैरेक्टर धीरे 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 आगे वाली जनरेशन पे जा रहे हैं, ये मिलियन ईयर से चल रहा है। ठीक है, सो इसकी जो पूरी एक सीरीज हम बात कर ले जो इनहेरिट हो रहे हैं कैरेक्टर ऑफ द प्रीवियस जनरेशन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। मतलब जो हमारे एंसेस्टर से जो कैरेक्टर आ रहे हैं और आज के टाइम पे जो जनरेशन है उसमें, तो इस पूरे जो है प्रोसेस को, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन इवेंचुअली लीड टू द इवॉल्वमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज, ये न्यू स्पीशीज के इन्वॉल्वमेंट में बिलीव करती है। अकॉर्डिंग टू JBS हालडेन, ये एक जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो लाइफ स्टार्ट हुई है अर्थ पर वो एज अ ह्यूमन नहीं स्टार्ट हुई है, वो एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्टार्ट हुई है। ठीक है, एंड हैज डेवलप्ड इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और ये जो है डेवलप हो गई है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में विद द चेंजिंग कंडीशन ऑन अर्थ ड्यूरिंग वेरियस पीरियड। जो कंडीशन थी अर्थ की उस मतलब चेंज होते थे वेरियस पीरियड में, जो एक टाइम गया है उसमें आगे चल के डेवलप हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या थे, ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने क्या प्रपोज किया था, आइडिया। कैसा आइडिया किया था, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या था, ये ऑल्दो ही वॉज नॉट अवेयर, तब के ये अवेयर नहीं थे मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। वेरिएशन में क्या मैकेनिज्म है, क्या रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, किसकी वजह से ये हो रहा है, ये उस चीज़ से अवेयर नहीं थे, लेकिन स्टिल इन्होंने क्या दिया था, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या था, इन्होंने द सिलेक्शन ऑफ सम ट्रेड्स ऑफ पॉपुलेशन, इसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं पॉपुलेशन के उनको सिलेक्ट किया गया था, एंड दैट फेवर देयर सर्वाइवल। वो क्या कर रहे थे, वो फेवर कर रहे थे उनके सर्वाइवल में, और मेकिंग देम अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट। जैसे कि डार्विन ने क्या बताया था नेचुरल सिलेक्शन में, इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ कि उन्होंने जिराफ को उठाया, मतलब एग्जांपल के तौर पे ये बताया कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी क्योंकि प्लांट नीचे थे। ठीक है, तो वो आराम से खा लेते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट की लेंथ बढ़ती गई तो जिराफ की जो गर्दन है उसकी लेंथ भी बढ़ती गई। तो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर, उसने वो एबिलिटी अडॉप्ट कर ली, छोटी गर्दन से वो लंबी गर्दन में कन्वर्ट हो गया। दैट इज़ अ इवोल्यूशन, दैट इज़ अ चेंजेस। ठीक है, तो इसमें इट वॉज मेंडल हु प्रपोज, और जो मेंडल थे उन्होंने प्रपोज किया था मैकेनिज्म बिहाइंड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड के पीछे क्या मैकेनिज्म, यानी जो हेरिडिटी होती है किसी भी कैरेक्टर की, उसके पीछे क्या रीजन है। बोथ दिस साइंटिस्ट वर्क ऑन देयर थ्योरीज इंडिपेंडेंटली, दोनों साइंटिस्ट ही वर्क कर रहे थे इंडिपेंडेंटली। दीज ट्रेड्स दैट आर इनहेरिटेड मे बी अक्वायर्ड ऑल्सो, ये जो कैरेक्टर थे ये इनहेरिटेड भी हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स मैंने पहले बताया, ट्रेड्स मतलब क्या होता है, लाइक कैरेक्टर। इनहेरिटेड मतलब क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर से आ रहे हैं। ठीक है, तो एनी ट्रेड दैट इज अक्वायर्ड, ऐसे कोई भी कैरेक्टर जो अक्वायर्ड किए जा रहे हैं बाय एनी ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब उनकी पूरी लाइफ टाइम में कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो अक्वायर्ड किया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल कंडीशन इज नॉट ट्रांसमिटेड टू इट्स ऑफस्प्रिंग, वो जो है उनके बच्चों में नहीं ट्रांसमिट हो सकता। मतलब जैसे उन्होंने एक मतलब डार्विन ने जो एग्जांपल दिया कि जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी फिर बड़ी हो गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो इन लोग के हिसाब से क्या था कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो ऑलरेडी उनके लाइफ में नहीं होता है, बट वो पूरी लाइफ टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं तो एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से, तो वो हेरिडिटी में इंक्लूड नहीं होगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा उनके बच्चों में। दिस ट्रेड टर्म एज अक्वायर्ड ट्रेड, ऐसे जो एक कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं अक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कि द वे ऑफ पर्सन स्पीक और द स्किल ही एंड शी हैज। अब जैसे कि अब सपोज मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और सपोज क्या, आई एम अ टीचर, मैं जैसे बोल रही हूँ तो इट इज़ नॉट अ हेरिडिटी कि मेरा बच्चा भी ऐसे ही बोलेगा, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ये हेरिडिटी नहीं है। या मेरी बोलने की स्किल्स क्या है,
मेरी क्या पर्सनालिटी टोटली डिपेंड, ये मेरी प्रैक्टिस से आई ना, लाइक मैंने पढ़ा लिखा उसके बाद जो क्या हुआ कि मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कंडीशन, तो ये हेरिडिटी में नहीं आएगा और ये चेंज ये हमारे जो जर्म सेल को अफेक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट नहीं हो सकती। बात क्लियर हुई? देखो जो भी मेरे अंदर चेंजेस है, मैं आई एम अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो आई एम एग्जाम्पल हेयर कि वट एवर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, सो इट इज जस्ट बिकॉज कि मैंने ये चीज ऑप्ट की है एक्सटर्नल कंडीशन से, मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, तो लाइक मैं ऐसे आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये मेरे जर्म सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये कैरेक्टर मेरे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं ट्रांसमिट हो पाएगी। ये बात क्लियर होगी? इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, और एनी ट्रेड जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होगा, जो मेरी बॉडी में मतलब जेनेटिकली ऑलरेडी मतलब जेनेटिकली इनहेरिटेड है और पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज टर्म एज इनहेरिटेड ट्रेड। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मेरी आंखों का कलर, मेरी स्किन का कलर, तो ये क्या होगा, ये मेरे बेबी में जरूर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इनहेरिटेड ट्रेड है। इतनी बात क्लियर हो गई? सो द नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं अब स्पेशिएशन क्या होता है। स्पेशिएशन यहाँ पे हम लोग ये पढ़ते हैं, ऐसा कोई ग्रुप किसी ऑर्गेनिज्म का जो कि सिमिलर होते हैं इन देयर ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब मैंने क्या बताया, कैरेक्टर, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हर जगह आप याद रखना, ये एक बायोलॉजिकल लैंग्वेज है, मे बी आप कन्फ्यूज हो जाओ, बट कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। इसमें देखो क्या होगा, ऐसा कोई ग्रुप किसका ऑर्गेनिज्म का जो कि सिमिलर है इन देयर कैरेक्टर यानी इन देयर ट्रेड्स एंड आर कैपेबल ऑफ ब्रीडिंग विद देमसेल्फ आर टर्म एज स्पीशीज, और वो कैपेबल हैं ब्रीड करने में विद देमसेल्फ, उनको हम लोग कहते हैं स्पीशीज, ठीक है। जो मैकेनिज्म और प्रोसेस है इसके पीछे, बाई मीन ऑफ विच न्यू डिस्टेंस स्पीशीज इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज ड्यू टू द वेरियस फैक्टर इज टर्म एज स्पेशिएशन, ठीक है। जो मैकेनिज्म है, देखो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज स्पीशीज, देन स्पीशीज से हम लोग टर्म जानेंगे स्पेशिएशन। तो क्या होता है, ऐसा कोई ग्रुप होता है किसी ऑर्गेनिज्म का जो कि सिमिलर होता है उनके कैरेक्टर में, वो कैपेबल होते हैं ब्रीड करने में, ठीक है, और विद देमसेल्फ आर टर्म एज स्पीशीज। अब इस मैकेनिज्म या प्रोसेस जो होता है, बाई मीन ऑफ विच, जिसके द्वारा जो न्यू और डिस्टेंस स्पीशीज है वो फॉर्म हो रही है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, जो पहले एग्जिस्टिंग कर रही थी, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स टर्म एज स्पेशिएशन, ठीक है। ये प्रोसेस लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज में विद इन अ पॉपुलेशन दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग अमंग देमसेल्फ। द वेरियस फैक्टर फॉर द सेम मे बी सीन एज, जो कुछ फैक्टर हैं जो इनमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्प्लिटिंग पॉपुलेशन। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ पॉपुलेशन। स्प्लिटिंग ऑफ पॉपुलेशन में क्या होगा, स्प्लिट का मतलब क्या हो रहा है, टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि इसमें पॉपुलेशन जो होगी, कोई भी इंसान हो या कोई भी हो, वो उधर ही की तरफ ज़्यादा मूव करेगा जहाँ पर वो ईजी होगा, तो ठीक है। जो पॉपुलेशन हो रही है टेंड टू ग्रो रैपिडली व्हेन देयर इज़ अ फेवरेबल, जहाँ पर फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा उनके सर्वाइवर के लिए, एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज एंड स्प्रेड आउट, ठीक है। दिस मेक इट डिफिकल्ट, ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है फॉर ऑल मेम्बर टू इंट्रैक्ट अमंग देमसेल्फ, मतलब उसमें जितने भी मेम्बर है सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। क्यों होगा डिफिकल्ट, ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जियोग्राफिकल बैरियर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब क्या होता है, दीज नेचुरल बैरियर जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, वो इनको प्रिवेंट करते हैं इंटरब्रीड करने के लिए बिटवीन देम। तो इसमें क्या होता है, जो म्यूटेशन जो फॉर्म होता है वन पॉपुलेशन में, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। और इसमें हम लोग बात कर सकते हैं जियोग्राफिकल आइसोलेशन में जो बैरियर होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके ओशियन हो सकते हैं, आपके डेजर्ट हो सकते हैं, आपके माउंटेन हो सकते हैं, वाटर फॉर्म हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। सो दे टेंड टू रिप्रोड्यूस विद द लोकल नियर बाय पॉपुलेशन, तो वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने लोकल नियर by population में, and if they are separated by any barrier like mountain or river then they isolated further। अगर ये इनके द्वारा separate हो भी जाते हैं तो ये फिर से मतलब they are isolated further, ये फिर से isolate हो जाते हैं, ठीक है। This will cause the gene flow or transfer, ये क्या cause करेगा gene के flow को, and transfer of gene को जो population में हो रही है और reduce कर रही है, they may develop into new distant disease, और ये एक develop करते हैं new distant disease को, ठीक है। So the next slide में क्या होगा, genetic drift,
इसमें क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो उसमें जो चेंज हो रहे हैं उसके जीन में कुछ कैरेक्टर जो होंगे वो स्पेसिफिक होते हैं टू दैट स्पीशीज ड्यू टू अनप्रीसेडेंट रीजन। जो अनप्रीसेडेंट रीजन का मतलब क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है, और मतलब विदाउट एक्सपीरियंस चीज़ हो रही हो, ठीक है, दिस लीड टू देम बीइंग ट्रांसफर टू अनदर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। ये लीड करेगा उसको ट्रांसफर करने में टू अनदर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इफ़ देयर आर पॉपुलेशन ऑफ रेड एंड ग्रीन बीटल्स एंड द ग्रीन आर एलिमिनेटेड बाय बीइंग इन अ फॉरेस्ट फायर देन द पॉपुलेशन ऑफ रेड बीटल्स विल रिमेन। अब जैसे कोई भी पॉपुलेशन है और रेड एंड ग्रीन बीटल्स की, तो वहाँ पर जो ग्रीन बीटल्स है वो एलिमिनेट हो जाएगी बींग इन अ फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट का फायर होता है मतलब फॉरेस्ट में आग लगती है, देन पॉपुलेशन ऑफ ओनली रेड बीटल्स विल रिमेन, वहां पे सिर्फ रेड बीटल्स बचेगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरली जो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड ओवर अदर ड्यू टू द वेरिएशन एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट इज टर्म एज नेचुरल सिलेक्शन। वो ऐसा प्रोसेस पॉपुलेशन का जिसमें क्या हो रहा है, कुछ वेरिएशन हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो उस तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को मतलब जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ठीक है, वो अडॉप्ट कर रहा है एबिलिटी को, तो इस टर्म को हम लोग कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन। दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल क्या है, इन केस ऑफ अ स्टॉर्म, ठीक है, यानी तूफानी टाइम पे क्या होगा, द बर्ड विद लॉन्ग और शॉर्ट विंग्स डायड। जो ऐसी बर्ड जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट विंग्स होती है वो डाइड हो जाती है, एज कंपेयर टू वंस विद एवरेज विंग, ऐसी के कंपेयर में जिसके पास एवरेज होती है। एक ऐसी बर्ड जिसके छोटे पंख हों वो भी डाइड हो जाएगी, और एक ऐसी जिसके बड़े पंख होंगे वो भी डाइड हो जाएगी, बट वो नहीं होगी जिसके उसके कंपेयर में जिसके एवरेज होते हैं, ना बड़े ना छोटे। सो दे वर नेचुरली सेलेक्टेड टू adopt to the environment changes and they survive to the evolve of their species. क्यों? क्योंकि वो जो है adopt कर रही है, naturally वो adopt करेगी environment जो change हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। The process of genetic drift and natural selection will eventually lead to two isolated subspecies में होती है, कौन सी दो species में, two sub species में होती है that are entirely different, जो different होती है एक दूसरे से, each other, they form a new species, और ये नई स्पीशीज बनाएगी टुगेदर एंड दिस स्पीशिएशन ऑकर, ठीक है, और जब उस केस में स्पीशिएशन ऑकर होगा। नाउ अब टाइम है एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने का। एवोल्यूशन क्या होगा, ऐसी हर स्पीशीज जिसमें जो है एक फेज आता है एवोल्यूशन का, ठीक है, जैसे कि जो सिमिलरिटी होती है अमंग द ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो रही है, वो अलाउ करती है ग्रुप आर बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक और डिटेल अपेयरेंस और बिहेवियर दैट इज सीन फॉर पर्टिकुलर फॉर्म और फंक्शन। मतलब कुछ की जो अपीयरेंस है, बिहेवियर है, वो दिखते हैं बट उनके जो है पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंट होते हैं, वो लुक वाइज सेम होती है। देयर आर सम बेसिक कैरेक्टर दैट आर शेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक द सेल बीइंग फंडामेंटल यूनिट। लाइक द जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें जो सेल होता है दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको पता है। बट द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम इसके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे जब ग्रुप कराता है या क्लासिफिकेशन होता है, तो मे नॉट कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म, ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा। जैसे सेल में हैव न्यूक्लियस और नॉट, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने लिया उसमें किसी में न्यूक्लियस है किसी में नहीं है, दिस क्लासिफिकेशन गोज फर्दर एज वेदर द न्यूक्लिएटेड सेल और सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल। जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेल्यूलर सेल है, बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल्ड है, तो ठीक है। दिस अलाउ हायरार्की, ये एक अलाउ करेगा हायरार्की को, एंड टू बी क्रिएटेड एवोल्यूशन प्रोसेस दैट हेल्प अस इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, जो कि हेल्प करता है उसके प्रोसेस को बताने में, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दस मोर कॉमन कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे और भी कैरेक्टर हैं जो कि शेयर करे जाएंगे टू स्पीशीज में, मोर क्लोजली रिलेटेड दे आर, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे। द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड इंडिकेट दैट दे हैड अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे दो स्पीशीज हैं उनमें और भी कैरेक्टर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होंगे और बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनका कोई एंसेस्टर सेम हो, कॉमन एंसेस्टर हो, रिसेंटली एग्जाम्पल हो गया अ फैमिली,
जैसे कि हम लोग एक फैमिली की बात करते हैं, फैमिली में कौन कौन होता है? अ ब्रदर एंड अ सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड विद कॉमन एंसेस्टर. कॉमन एंसेस्टर क्या है? कॉमनली ये दोनों एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, ये इसका मतलब है. नाउ द गर्ल एंड हर कजिन टू आर रिलेटेड, और वो गर्ल और उसका कजिन वो भी रिलेटेड है बिकॉज दे हैव कॉमन एंसेस्टर, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सेम है, ठीक है, बट दे आर डिस्टेंस देन हर ब्रदर एंड दे सेकेंड जनरेशन. देखो इसमें क्या एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे एक लड़का है एक लड़की, दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, बट कैसे रिलेटेड है? इनके जो फादर यानी इनके एंसेस्टर कौन है? इनके फादर. अब ये जो लड़की थी और इसके जो चचा का बेटा था, ये दोनों भी क्लोजली रिलेटेड है बट उससे कम है अपने सगे भाई बहन से, क्योंकि इनके भी एंसेस्टर सेम है, दोनों के ग्रैंड फादर एक है, ठीक है. बट नियरली कौन है जो जिसका डिस्टेंस कम है वो सेकेंड जनरेशन में? दे कॉमन एंसेस्टर इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है. दस स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीशीज, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीशीज होगा विद रिसेंट कॉमन एंसेस्टर आर बिल्ड फॉलोड बाय डिस्टेंस कॉमन एंसेस्टर एंड दिस गोज ऑन बैकवर्ड इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है. सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. अब इसमें क्या होगा, एक पहला आपका पॉइंट इसमें कवर करेंगे, ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है. दूसरा आप क्या पढ़ोगे? फॉसिल. तीसरा आप क्या पढ़ोगे? इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, ठीक है. एंड देन तो हम लोग देखते हैं ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप में क्या होता है. इन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो अकरेंस होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आर बेसिक ऑफ क्लासीफाइंग देम इन टू ग्रुप, ये इनको क्लासीफाई करता है ग्रुप में. दिस कॉमन कैरेक्टर कैन बी आइडेंटिफाई बींग टू टाइप्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है होमोलोगस और एक आपको होता है एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक. तो होमोलोगस में क्या आएगा? ऐसे कैरेक्टर जो कि दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो कि प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बट लुक सिमिलर एंड दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है. दे मे हैव द सिमिलर बेसिक ऑर्गन स्ट्रक्चर बट विद अ डिफरेंट फंक्शन इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. मतलब इसे पूरा क्या ओवरऑल बताया गया है, जैसे आप एग्जांपल ले लो मैमल्स को, बर्ड्स को, रिप्टाइल्स को, एम्फीबियंस को, इनके पास क्या है? फोर लिंब है, ठीक है, फोर लिंब है बट ईच सर्व अ डिफरेंट पर्पस सब, लेकिन इनके जो लिंब्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से यूज हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो रहे हैं. तो इनको हम लोग होमोलॉग अलग होते हैं. देखो दोज दीज आर दोज कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ये जो, लेकिन क्या हो रहे हैं, ये इनके जो फोर लिंब होते हैं वो सिमिलर दिखते हैं बट इनके जो एंसेस्टर है दे हैव कॉमन एंसेस्टर. दे मे हैव द सिमिलर बेसिक ऑर्गन स्ट्रक्चर बट विद डिफरेंट फंक्शन, इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे. अगर इनकी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस की बात करें तो इनके लिम्स जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं बट दिखने में सेम होते हैं पर इनके काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. अब हम लोग बात करेंगे एनालॉगस में. अब ये एनालॉगस उल्टा होगा, ये दिखने में तो जो है सेम नहीं होगा बट इसका काम एक होगा. जैसे कि अगर हम विंग्स की बात करें, चाहे वो विंग्स ऑफ बैट की बात करें, मतलब चमगादड़ के पंख की बात करें, या चिड़िया की बात करें, या पक्षी की बात करें, ठीक है, तो इनके में क्या होता है, इनके सेम फंक्शन होता है सबका. ये क्या काम करते हैं? फ्लाइंग करने में, उड़ने में. बट जो विंग्स होते हैं बैट के, एक्चुअली वो फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन द फिंगर, उनके जो है पंख आपस में से जुड़े होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन ग्रेट एक्सटेंट. इतनी बात क्लियर हो गई. होमोलॉगस में क्या था? होमोलॉगस में दिखने में सेम थे, काम उनके अलग अलग हो रहे हैं. बट एनालॉग में क्या है? दिखने में तो अलग है बट काम सबके उड़ने के, ठीक है. इतनी बात क्लियर हो गई. अब हम लोग बात करेंगे फॉसिल. फॉसिल क्या होता है? कोई ऑर्गेनिज्म है वो मर तो चुका होता है, टाइम के हिसाब से वो गल भी चुका होता है, पर क्या होता है, कभी वो मिट्टी में, कभी वो सैंड में, वो दब के रह जाता है और उसके कुछ अवशेष मिलते हैं. मतलब एक स्ट्रक्चर मिलता है जो प्रिजर्व कर देता है, बताता है कि ये एक तरह का डायनासोर है, इसके कैसी गर्दन हुआ करती थी, इसे कैसे पैर हुआ करते थे, वो पूरा स्ट्रक्चर बताता है. और अगर हम पत्तियों में बात करें तो कभी कभी क्या होता है, पत्थरों के बीच में आप देखोगे तो पत्तियां मिलती थी, उसके अवशेष टाइप के, मतलब स्ट्रक्चर टाइप के, इस तरीके की कोई लीव्स होगी. तो वही यहाँ पूरा एक थ्योरी फॉर्म लिखा गया है, टू द स्टडी द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जब हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, द करंट स्पीशीज होती है एज वेल एज द स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टिंग ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर. जो कंसिडर मतलब जो नहीं है एग्जिस्ट कर रही, उनको भी हम लोग कंसिडर करते हैं. द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिंक
डिकम्पोज, जो बॉडी हो रही है ऑर्गेनिज्म की वो यूजुअली डिकम्पोज हो जा रही है जब वो मर रही है, बट ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशन, लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो उसके कुछ इंप्रेशन दिख रहे हैं, जैसे कि हॉट मड हो गया, लावा हो गया, तो उनकी बॉडी क्या है, बरीड इन देम, उसमें बरीड हो जाती है, हार्डन एंड इवेंचुअली लीव एन इम्प्रेशन, और वो हार्डन होकर इवेंचुअली एक इम्प्रेशन को जो है छोड़ जाती हैं बॉडी पार्ट के। दिस प्रिजर्व ट्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करता है, ये एक तरह का प्रिजर्व ट्रेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि एग्जिस्ट कर रहा था पास्ट जियोलॉजिकल पीरियड में, आर टर्म्ड एज फॉसिल। ठीक है, द फॉसिल हेल्प इन डिटरमाइनिंग द वेरियस इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ द स्पीशीज, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टू अ फॉसिल इज टर्म, जो कोई स्पीशीज है वो टर्म चेंज हो गया एक फॉसिल में, जब दब के मर गया उसके कुछ इंप्रेशन रह गए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फॉसिलाइजेशन। ठीक है, और ये स्टडी को हम लोग कहेंगे पैलियंटोलॉजी, और देयर आर टू वे डिटरमाइन द एज और डेटिंग ऑफ द फॉसिल, इससे क्या हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसकी एज और डेटिंग ऑफ द फॉसिल, कब ये फॉसिल में तब्दीली आई। तो देखो रिलेटिव डेटिंग में क्या होगा, दिस मेथड इन्वॉल्व द डिगिंग ऑफ द अर्थ एंड इनकेविंग द फॉसिल फ्रॉम द रॉक, जब वो डिगिंग हुआ था अर्थ में, जब एक्सकेवेटिंग करा गया है रॉक से। ठीक है, द मोर रिसेंट वन आर फाउंड और क्लोजर टू द अर्थ सर्फेस। अब रेडियोमेट्रिक डेटिंग में क्या होगा, इन दिस मैथड द फॉसिल कैन बी डेटेड बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रॉक एंड डिटेक्टिंग द रेडियोज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन मटेरियल ऑफ द फॉसिल। रिलेटिव डेटिंग में क्या हो रहा है कि कब वो डिग किया गया, मतलब कब वो जो है दफनाया गया था, कब उसमें मतलब डिगिंग ऑफ द अर्थ एंड कब वो जो है उसको निकाला गया फ्रॉम द रॉक से, तो मोर रिसेंट वन जो होता है फाउंड अ क्लोजर अर्थ सरफेस में। ठीक है, और रेडियोमेट्रिक में क्या हो रहा था, इसमें जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन द रॉक एंड डिटेक्ट करते हैं रेशियोज को डिफरेंट आइसोटोप में सेम एलिमेंट इन द मटेरियल ऑफ द फॉसिल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, इसमें क्या होगा, जो इवोल्यूशन में स्टेजेस मतलब इवोल्यूशन को स्टेजेस में देखते हैं। इट इज वेल इस्टेब्लिश, ये वेल इस्टेब्लिश होता है दैट इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब टाइम टू टाइम जो है चेंज हो रहा है ना, तब इवोल्यूशन हो रहा है, तो दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ईयर। इसको जो है टाइम बन, इसको इवोल्यूशन होने में क्या हो गया, थाउजेंड ईयर लग गए द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन बनने में, और द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन दैट हैव इवॉल्व इन ऑर्गेनिज्म इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल डीएनए चेंज बट ड्यू टू थाउजेंड ऑफ सच चेंजेस ओवर द लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। तो इस जो थाउजेंड ईयर में सिर्फ एक सिंगल डीएनए के चेंज से नहीं बना, इसमें क्या हमको देखने को मिला, लार्ज लाइक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम मतलब चेंजेस आए इसमें। इफ द आईज ऑफ एन ऑक्टोपस एंड द वर्टीब्रेट आर कंसीडर, अगर हम इसमें एक ऑक्टोपस की आईज को लें एंड द वर्टीब्रेट को हम कंसीडर करें, तो इट इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम सजेस्टिंग दैट दे हैव इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। अगर हम ये दोनों को लेते हैं तो दोनों ही अलग अलग तरीके से हम इसको सजेस्ट करेंगे, दोनों ही इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट द चेंज ब्राउट ऑन फॉर पर्टिकुलर फीचर, इसमें ऑल्सो हम लोग नोट कर रहे हैं जो चेंज आ रहा है पर्टिकुलर फीचर में, मे हैव लेटर इवॉल्व इन टू अ डिफरेंट फंक्शन ऑल टूगेदर। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, द पर्पज ऑफ फेदर, इनिशियली पर्पज क्या था फेदर का, वॉज कंसिडर टू प्रोवाइड इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, ये ताकि जो उस पक्षी को ठंडा ठंड से बचा सके, इंसुलेट कर सके। दिस इज सीन इन सम ऑफ द रेप्टाइल्स लाइक द डायनासोर, डायनासोर के होते थे तो वो उड़ते तो नहीं थे, वो उनको जो है वेदर से कंट्रोल करते थे, हु कुड नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं कर सकते। इन द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बर्ड अडॉप्टेड दीज फीदर फॉर फ्लाइंग, बट धीरे धीरे इवोल्यूशनरी जब जो है चेंजेस आए प्रोसेस में, तो उसमें क्या देखा गया, जो बर्ड है वो इसको किस काम में ले रही है, इसको उड़ने के काम में ले रही है। दिस लीड टू बी बिलीव दैट बर्ड आर वर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, तब के हम ये देख रहे हैं जो बर्ड है वो क्लोजली रिलेटेड है रेप्टाइल्स से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन नॉट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस,
इवोल्यूशन जो है प्रोग्रेस के इक्वेटेड नहीं होना चाहिए. कैसे, क्यों? द इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज डजंट इंडिकेट दैट द ओल्ड स्पीशीज हैव बीन एलिमिनेटेड और दे आर इनएफिशिएंट दैन द न्यू वन. मतलब इवोल्यूशन में ये दिखाया जा रहा है कि जो नई स्पीशीज हो रही है वो इंडिकेट ये नहीं कर रही कि ओल्ड स्पीशीज को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, कि वो इनएफिशिएंट थी नई से. इट इंडिकेट दैट द न्यू स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट कंडीशन. ये प्रूफ किया जा रहा है जो नई स्पीशीज है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब उनमें जो चेंजिंग आ रहा है एनवायरमेंटल कंडीशन में वो ज्यादा जो है मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आ रहा है. इट कैन बी सेड दैट इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डाइवर्सिटी. इसमें ये बताया जा रहा है जो इवोल्यूशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो क्रिएट कर रहा है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज को ड्यू टू किसकी वजह से, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जो क्रिएट करता है पॉपुलेशन को नॉट फॉर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विद द ओरिजिनल स्पीशीज. वो इस वजह से नहीं कि वो कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए ओरिजिनल वन. जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमन है एंड चिंपैंजीज है, मे हैव हैड अ कॉमन इंसेस्टर. इसमें हो सकते हैं दोनों में कॉमन इंसेस्टर हो, लेकिन विद टाइम दे हैव इवॉल्व्ड इन सेपरेट डायरेक्शन लीड टू द प्रेजेंट स्पीशीज. अगर हम आज के टाइम पे देखें तो चिंपैंजीज भी है और ह्यूमन भी है. अगर ऐसा होता है कि चिंपैंजी से ह्यूमन बना तो फिर क्या होता है कि वो विलुप्त हो जाना चाहिए था ना, नहीं, लेकिन दोनों ही इवॉल्व कर रही है सेपरेटली डायरेक्शन में एंड लीड कर रही है प्रेजेंट स्पीशीज को. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नो प्रोग्रेस दैट कैन मैप ड्यूरिंग. यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं हुआ है या कोई ऐसा मैप नहीं दिखा सकता ड्यूरिंग एवोल्यूशन कि ईच एंड एवरी स्पीशीज डाइवर्सिफाइज इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव एंड अडॉप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मैप नहीं दिखाया गया कि जिसमें ये प्रूफ हो सके कि सारी स्पीशीज ने इवोल्यूशनरी चेंजेस करे हों. द ओनली फैक्टर इज दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हैव डेवलप इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस. इसमें बस ये दिखाया गया है कि जो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप्ड हुए इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस में. दैट डजंट इंडिकेट सिंपलेस्ट ओल्डर स्पीशीज लाइक द बैक्टीरिया आर एक्सटिंक्ट, कि वो नहीं है. ठीक है, दे कैन सर्वाइव इन डाइवर्स कंडीशन ऑफ हॉट स्प्रिंग अंटार्कटिका एक्सेट्रा. ये इसका एग्जांपल है. ठीक है, ह्यूमन आर द मोस्ट इवॉल्व्ड, ये बहुत ज्यादा मोस्टली मतलब बहुत ज्यादा इवॉल्व्ड स्पीशीज है ह्यूमन, बट दे आर जस्ट अनदर स्पीशीज इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा है. ह्यूमन इवोल्यूशन, अब ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं इसमें ये पार्ट है इसके. द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इन ह्यूमन हैज बीन ट्रेस्ड बाय वेरियस मेथड. जिसमें जो ये कुछ मेथड हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि एक्सकेवेशन, टाइम डेटिंग, स्टडीइंग द फॉसिल एंड द डीएनए सीक्वेंस. अ ग्रेट डाइवर्सिटी, जो बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण डाइवर्सिटी है वो एग्जिस्ट हो रही है अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इन देयर फीचर्स, जैसे कि कलर्स एक्सेट्रा. ठीक है, बहुत सारा ग्रुप ऐसा होता है ह्यूमन का और ग्रुप बेस्ड ऑन देयर स्किन. जैसे कि आप कभी जाओ लाइक आप नाइजीरियन पीपल को देखो तो उनके स्किन कलर से उनको ग्रुप करा जाएगा. ठीक है, आप अमेरिका के पीपल को देखो तो उनको ग्रुप किया जाएगा, हम लोग को ब्राउन पीपल से किया जाएगा डिफ्रेंशिएट. तो बट देयर इज़ नो बायोलॉजिकल रीज़न, पर यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं है कि उनके ऑर्गन में अलग चीज़ है, मेरे ऑर्गन में अलग चीज़ है. एवरी ह्यूमन हैज़ अ सेम ऑर्गन, बट क्या है कि कलर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. देयर इज़ नो बायोलॉजिकल रीज़न फॉर दैट एज द ह्यूमन ऑल आर पार्ट ऑफ अ सिंगल सेम स्पीशीज. Everyone belong to the same species, Homo sapiens. सब के सब Homo sapiens में आएंगे. ठीक है, A large number of genes are present in gene pool. जीन पूल में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द सोर्स ऑफ द वास्ट वेरिएशन, जो कि एक सोर्स होता है वास्ट वेरिएशन का जो कि पाया जाता है ह्यूमन में. दिस इज़ द रीज़न दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इन लुक. यही एक रीज़न है जिसकी वजह से दो इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि अलाइक दिखते हो, मतलब डिफरेंट दिखते हो या एबिलिटीज़ में. तो दैट लीड टू द डाइवर्सिटी इन स्किन कलर, हाइड एंड हेयर कलर. ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंट. द ह्यूमन इनहैबिट डिफरेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तब के जो ह्यूमन की इनहैबिट होती है वो डिफरेंट पार्ट होती है मॉडर्न वर्ल्ड में. ऑल ऑफ देन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका. द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अमेरिका माइग्रेट टू अक्रॉस द वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया. एग्जाम्पल
All this while they were traveling back to Africa too. This led to diverse gene pool in staggered manner as the population across the world increased. Similarly, some structure that are dissimilar. इसी तरह से देखो इसमें क्या, इस पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जबकि जो ह्यूमन होते हैं इनहैबिट होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में, जैसे कि सब के सब जो है ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, अफ्रीका से, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है अमेरिका के वो माइग्रेट हुआ था वेस्ट एशिया में, फिर सेंट्रल एशिया, देन यूरेशिया, इस तरीके से सब में वर्ल्ड वाइड फैल गया. ठीक है, ऑल दिस वाइल दे वर ट्रैवलिंग बैक टू अमेरिका, इस वजह से फिर वो जो है बैक हुए अमेरिका अफ्रीका में ट्रैवल करने के लिए. ठीक है, और ये जो लीड करी गई थी डाइवर्स जीन पूल इन स्टैगर्ड मैनर में. ठीक है, द पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्रीज. अब सिमिलैरिटी की बात करें, सिमिलैरिटी सम स्ट्रक्चर दैट आर डिससिमिलर. अब इसमें कुछ डिससिमिलर है स्ट्रक्चर में, हैव इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट वुड बी वाइल्ड कैबेज. अगर हम वाइल्ड कैबेज की बात करें दैट ह्यूमन हैव यूज्ड एज फूड फॉर ओवर 2000 years. अगर ये वाइल्ड कैबेज है अगर कुछ सालों पहले बात करें 200 साल पहले, तो ह्यूमन इसको एज अ फूड यूज करता था. दे जनरेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ द वर्ल्ड वुड कैबेज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डेवलप द कैबेज विद शॉर्ट लीव्स, ब्रोकली विच इज अरेस्टेड फ्लावर, कॉलीफ्लावर स्वेलन पार्ट और एज कोलराबी और लीफ केल. If not for artificial selection in this, it would be known that they originated from the common ancestor. ये common ancestor के द्वारा उगाई हुई सब्जियाँ थी जो ये जो है human खाता था. The change in DNA, it at another way to understand evolutionary relationship. एक DNA भी आपका another way है जिसे हम समझ सकते हैं evolutionary relationship को. The comparison of DNAs of different species would give insight to the change that happened in their evolutionary process. ठीक है, आई होप सो मैंने आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी ये वीडियो. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अगेन इसको जो है आपको शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले आ जाए. और हाँ, इसका पार्ट 1 देखना मत भूलना, सबसे पहले पार्ट 1 देखना देन पार्ट 2 देखना. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.